हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 100 स्क्वायर फीट प्लास्टर में कितना सीमेंट और रेत लगती है। मतलब 100 स्क्वायर फीट का अगर हम प्लास्टर वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें कितनी बैग सीमेंट और कितना क्यूबिक फीट सैंड, मतलब रेत जो है लगने वाली है, वो कैसे कैलकुलेट करें, वो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। प्लस ये जो सीमेंट और रेत है, मतलब 100 स्क्वायर फीट का अगर हम प्लास्टर करते हैं तो सीमेंट रेत मिला के मटेरियल का कॉस्टिंग कितना आता है, लेबर का कॉस्टिंग कितना आता है, दोनों चीजें दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। जिससे क्या होगा, 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से आप अपना स्क्वायर, अगर आपका प्लास्टर 1000 स्क्वायर फीट है, 15 स्क्वायर फीट है, तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 100 स्क्वायर फीट में अगर हमें एक बैग सीमेंट लगती है तो 1000 स्क्वायर फीट में कितनी लगेगी, 10 बैग, राइट। तो इस तरह से आप जब भी काम करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो आप आराम से जो है मटेरियल मंगा सकते हैं कि कितना मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होगा अभी जो वर्क चल रहा है उसके हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है 100 स्क्वायर फीट का प्लास्टर करने वाले हैं, तो पहले मैं बता देता हूँ 100 स्क्वायर फीट कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये 100 स्क्वायर फीट अगर प्लास्टर करना है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा ये 10 स्क्वायर फीट पकड़ लीजिए, ठीक है। सेकेंड जो होगा ये भी क्या है, 10 स्क्वायर फीट, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 स्क्वायर फीट का प्लास्टर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो लेंथ क्या होगी, 10 फीट, विड्थ क्या होगी, 10 फीट, और थिकनेस यहाँ पे 12 एमएम की होती है, मतलब 4.0393 इंच हो जाएगा, ठीक है, इंच पे कन्वर्ट करेंगे तो। और प्लास्टर की क्वांटिटी कितनी आएगी, अगर हम क्यूबिक फीट में निकालना चाहे तो लेंथ विड्थ इंटू मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस करेंगे, तो लेंथ कितनी है हमारे पास, 10 फीट, विड्थ कितनी है, 10 फीट, थिकनेस हमें लगी, अगर ये दोनों 10 फीट में है तो थिकनेस को 10 फीट में करने के लिए हमें डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंच को क्या करना पड़ेगा, फीट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक 12 इंच बराबर क्या होता है, एक फीट है, तो हम इंच को फीट में करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। तो हमारी जो 100 स्क्वायर फीट में जो प्लास्टर का वॉल्यूम आएगा क्यूबिक फीट में, वो 3.93 क्यूबिक फीट आएगा। तो 3.93 क्यूबिक फीट जितना वॉल्यूम हमारा 100 स्क्वायर फीट अगर हम प्लास्टर करते हैं तो उसमें आता है। अब इस पर से हम क्या निकालेंगे कि सीमेंट और सैंड कितनी लगती है, बट उसके पहले हमें दो तीन स्टेप और करने पड़ेंगे, वो हम बात कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 100 स्क्वायर फीट प्लास्टर क्वांटिटी इन क्वांटिटी कितनी है, 3.93 क्यूबिक फीट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फॉर फ्रॉग फिलिंग अप जॉइंट्स एंड अनइवन सरफेस, 30% मोर मोर्टार इज रिक्वायर्ड। मतलब दोस्तों, जो ब्रिक के अंदर फ्रॉग होता है या फिर जो गैप्स होते हैं, राइट, जॉइंट्स होते हैं, अनइवन सरफेस होती है, 30 उसके लिए क्या होगा, 30% हमें ज्यादा मोर्टार चाहिए। जो हमारी क्वांटिटी आई है उससे तो हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा 30%, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वांटिटी वो चली जाती है, जो हम जब स्क्वायर फीट कैलकुलेट करते हैं उसमें कैलकुलेट नहीं होती, तो 30% ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राइव वेट मोटर, ठीक है, सबसे पहले वेट मोटर कैलकुलेट होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वेट मोटर कितना होगा, 3.93, ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है, उसमें हम क्या करेंगे, 30% ऐड करेंगे, तो 3.93 × 30% करेंगे, तो 30/100 करना पड़ेगा 30% ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 5.109 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर हमें मिल गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब टू गेट दी ड्राई वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ मोटर, वेट वॉल्यूम मे बी फर्दर इंक्रीज बाय 25%। मतलब दोस्तों, ये तो हुआ वेट वॉल्यूम, राइट, हमें चाहिए ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम पर से ही हमें सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी मिलेगी। तो हम उस जो वेट वॉल्यूम है उसको क्या करेंगे, 25% हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पानी डालने के बाद मोटर का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो वॉल्यूम आया है इसको 25% और बढ़ाना पड़ेगा, तो हम वो भी बढ़ा लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर कितना आएगा फिर, 5.109 मल्टीप्लाइड बाय 5.109 मल्टीप्लाइड 25/100 पर 25% हमें बढ़ाना है इसको, ठीक है, यही जो क्वांटिटी है इसको बढ़ाना है, तो कितना आएगा, तो 6.38 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आ गया ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर, ठीक है। तो यही वॉल्यूम से हमें क्या कैलकुलेट करना है, सीमेंट और सैंड कैलकुलेट करना है। फिर से एक बार बता देता हूं, ये हमने कैलकुलेट किया था वॉल्यूम, ठीक है, जो हमारा एरिया था उसके हिसाब से, थिकनेस के हिसाब से, उसमें हम फ्रॉग फिलिंग अप अनइवन सरफेस के लिए 30% ऐड किया था, तो कितना वॉल्यूम आया था, 5.109 क्यूबिक फीट। अब उसमें हमने ये था वेट वॉल्यूम, तो ड्राई वॉल्यूम के लिए हमने फिर से 25% किया ऐड किया, तो 25% ऐड करने के बाद 6.38 क्यूबिक फीट क्या आया हमारा, ड्राई वॉल्यूम आ गया। अब इसी पर से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सीमेंट मोटर प्रोपोर्शन जो होगा 1:4 का होगा, तो यहाँ पे हम टोटल पार्ट ले लेते हैं, 1 पार्ट सीमेंट है और 4 पार्ट क्या है, सैंड है, मतलब
जब भी हम मिक्स बनाएंगे सीमेंट मोर्टार का, तो चार पार्ट हम सैंड डालेंगे, एक पार्ट सीमेंट रहेगा, तो टोटल पार्ट कितने हुए? 5 हुए। तो इस तरह से आपका 1:6 भी हो सकता है, ठीक है, उस हिसाब से देखिए 1:3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा 1:4 है। आगे बढ़ते हैं, तो सीमेंट क्वांटिटी इज इक्वल टू सीमेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम मोटार, ठीक है, ड्राई मोटार क्वांटिटी, ठीक है, या फिर ड्राई मोटार वॉल्यूम, ठीक है। तो सीमेंट क्वांटिटी कैलकुलेट करने का यह फॉर्मूला याद रखना, सीमेंट का पार्ट कितना है 1, टोटल पार्ट कितने हैं 5, डिवाइड बाय ड्राई वॉल्यूम मोटर कितना आया था वो हमें लेना है। तो आगे बढ़ते हैं, तो सीमेंट का पार्ट 1 है, टोटल पार्ट 5 है, मल्टीप्लाइड बाय जो ड्राई वॉल्यूम आया था 6.38, ठीक है। तो क्वांटिटी हमारी कितनी आएगी सीमेंट की? 1.276 क्यूबिक फीट, मतलब 100 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने में हमें 1.276 क्यूबिक फीट जितनी सीमेंट लगने वाली है। तो ये क्यूबिक फीट में आई। अब हमें पता है कि एक बैग का जो सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है वो 1.23 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है, एक बैग का जो सीमेंट का वॉल्यूम होता है 1.23 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, इसको 1.23 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ बैग मिल जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैग कितनी होगी? 1.03 बैग्स, मतलब पकड़ लीजिए 100 स्क्वायर फीट अगर आप प्लास्टर करते हो तो एक बैग आपको सीमेंट की उसमें जरूरत पड़ेगी, अगर 1000 करते हो तो 10 बैग पड़ेगी, 2000 करोगे तो 20 बैग सीमेंट की रिक्वायर्ड होगी, सिंपल कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं, तो सैंड की क्वांटिटी हम क्या करेंगे, सैंड के पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट, सैंड का पार्ट कितना है 4, ठीक है, सैंड का पार्ट कितना है 4, टोटल पार्ट 5, और तो ड्राई वॉल्यूम का मोटर कितना है 6.38, ठीक है, 6.38 है, तो इसकी क्वांटिटी आएगी 5.10 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो दोनों का मतलब 100 स्क्वायर फीट में हमें एक बैग सीमेंट चाहिए, 5 क्यूबिक फीट जितनी हमें सैंड चाहिए, ठीक है। अगर ये 100 स्क्वायर फीट के लिए है तो हमें अगर 1000 स्क्वायर फीट का काम करना हो तो हमें कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ठीक है, 100 के लिए 5 चाहिए तो 1000 के लिए हमें चाहिए होगी 25, ठीक है, 25 ओके, 1000 के लिए हमें चाहिए होगी, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 50 चाहिए, ठीक है, तो 50 क्यूबिक फीट जितनी हमें सैंड रिक्वायर्ड होगी, सिंपल कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट 4000 स्क्वायर फीट प्लास्टर, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा, तो पहले देखते हैं सीमेंट का, सीमेंट का कॉस्ट कितना आएगा, वन बैग है तो इंटू 340 रुपए का रेट पकड़ेंगे, तो सीमेंट सीमेंट का कॉस्ट कितना आएगा, एक बैग का प्राइस अगर 340 पर पकड़े तो 340 रुपए क्या आ जाएगा हमारा, सीमेंट का कॉस्टिंग आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सैंड का कोस्ट अगर पकड़े तो 55 रुपए का रेट पकड़े तो 280 रुपए की क्या आ जाएगी, सैंड आ जाएगी। और टोटल कोस्ट अगर देखे दोनों मिला के तो 620 रुपए का मटेरियल लगेगा हमें 100 स्क्वायर फीट के लिए। अगर हम यही चीज अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का करेंगे तो 6200 रुपए की हमें सीमेंट और सैंड लगेगी, मटेरियल कॉस्टिंग आएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों मटेरियल मटेरियल का एस्टिमेट निकालना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 100 स्क्वायर फीट में कितनी सीमेंट सैंड लगेगी उसका टोटल कॉस्टिंग भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से कंक्रीट के लिए भी कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम निकाल के फिर उसमें भी कुछ ऐड करना पड़ता है, जो आप मैंने एक वीडियो बना के रखी है वो आप देख सकते हो। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर इसको कमेंट करिए, और इसीलिए आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो मुझे जरूर कमेंट करके मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। Thank you.